नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया में। भारत को अपनी कप्तानी में दो बार वर्ल्ड कप दिलाने वाले एमएस धोनी ने 15 अगस्त को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इसी के साथ पिछले साल भर से उनके भविष्य पर लगाए जा रहे कयास भी खत्म हो गए। धोनी ने शाम 7:29 पर संन्यास का ऐलान किया। वो इस समय आईपीएल की तैयारी के लिए चेन्नई में है और चेन्नई पहुंचने के अगले ही दिन उन्होंने अपने इस फैसले की घोषणा की। मगर उनके संन्यास की घोषणा से पहले उनके घर नया मेहमान आया था, जिसकी फोटो उनकी पत्नी साक्षी ने सोशल मीडिया पर शेयर की। साथ ही लिखा कि इस मौके पर माही को काफी अधिक याद कर रहे हैं। इससे तो हर कोई वाकिफ है कि धोनी को बाइक और गाड़ियों का काफी शौक है। उनके पास इसका अच्छा कलेक्शन भी है। इसी कलेक्शन में शनिवार को लाल रंग की विंटेज कार ट्रांस एएम शामिल हुई। भारतीय सड़कों पर यह कार मुश्किल से ही दिखती है। साक्षी ने इंस्टाग्राम पर इस कार की फोटो शेयर करते हुए लिखा, घर में स्वागत है, माही आपको याद कर रहे हैं। साक्षी ने इसका एक वीडियो भी शेयर किया। इस विंटेज कार की ड्राइविंग सीट बाईं तरफ है। हालांकि इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है कि धोनी ने इस विंटेज क्लासिक कार की कितनी कीमत चुकाई है, मगर इसकी कीमत का इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले साल नवंबर में मुंबई में एक नीलामी हुई थी, जिसमें ट्रांस एएम 68.31 लाख रुपए की कीमत में बिकी थी। और धोनी का लेटेस्ट कलेक्शन नीलामी में बिकी उस कार से काफी मिलता जुलता है। बता दें, धोनी टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक रहे हैं। वो दुनिया के इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने अपनी कप्तानी में टीम को 3 आईसीसी ट्रॉफी दिलाई है। धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 T20 वर्ल्ड कप, 2011 वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीता है। धोनी ने भारत के लिए 350 वनडे, 90 टेस्ट और 98 T20 इंटरनेशनल मैच खेले। बता दें, संन्यास की घोषणा से एक दिन पहले वो यूएई में होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग के लिए चेन्नई सुपर किंग्स टीम से जुड़ने चेन्नई पहुंचे थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।